नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके लिए आपकी हेल्थ से जुड़ी सभी जानकारियाँ लाते रहते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक स्किन डिजीज के बारे में। आपने ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो के बारे में जरूर सुना होगा। दरअसल ये एक तरह की स्किन डिजीज है जिसमें आपके स्किन सेल्स अपना पिगमेंटेशन या मेलानिन लूज करने लगते हैं, व्हिच लीड्स टू व्हाइट कलर पैचेस ऑल ओवर द बॉडी। पहले देखते हैं कि मेलानिन क्या होता है। आपको बता दें, हमारी बॉडी में कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं विद द नेम ऑफ मेलानोसाइट्स, जो मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं। ये मेलानिन हमारे स्किन, हेयर और आईज को कलर देता है। सभी इंडिविजुअल्स में मेलानिन अलग अलग अमाउंट में मौजूद होता है, जिसकी वजह से सभी का स्किन टोन डिफरेंट होता है। ल्यूकोडर्मा की कंडीशन में ये पिगमेंटेड सेल्स डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, कॉजिंग व्हाइट स्पॉट्स ऑल ओवर द बॉडी। कई लोग ऐसा मानते हैं कि ल्यूकोडर्मा एक कंटेजियस डिजीज है और वो इसके पेशेंट से दूरी बना लेते हैं, जिसकी वजह से इन पेशेंट्स में साइकोलॉजिकल और इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। अगर बात करें ल्यूकोडर्मा की कॉजेज के बारे में, तो सबसे पहले ये बात सामने आती है कि विटिलिगो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें आपका इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है और मेलानोसाइट सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। ल्यूकोडर्मा की सेकेंड कॉज होती है फैमिली हिस्ट्री। इसमें अगर आपकी हेरिडिटी में व्हाइट स्पॉट्स और पैचेस की प्रॉब्लम रही है, तो आपको ये बीमारी होने का रिस्क बढ़ जाता है। रेगुलर स्ट्रेस भी ल्यूकोडर्मा की एक बड़ी कॉज है। इसमें अगर आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो आपकी बॉडी में व्हाइट पैचेस भी बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स भी आपको ल्यूकोडर्मा के लिए रिस्की बनाते हैं। लो क्वालिटी प्लास्टिक या रबर वाली स्लिपर्स भी कई बार इस डिजीज को बढ़ा देती है। इसमें सर्टन एक्सपोजर टू केमिकल्स भी एक बहुत बड़ा कॉज होता है। कुछ कॉस्मेटिक्स जैसे कि बिंदी या केमिकल बेस्ड क्रीम्स लगाने से भी स्किन के कई हिस्सों पर व्हाइट स्पॉट्स पड़ने लगते हैं। इन सब के अलावा वायरस इन्फेक्शन भी ल्यूकोडर्मा डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। हर्पीस सिंप्लेक्स लेबियलिस नाम का वायरस भी विटिलिगो डिजीज क्रिएट कर सकता है। ये तो बात हो गई ल्यूकोडर्मा और इसके कॉजेज की। साथ ही आपको बता दें कि अगर आपकी स्किन बुरी तरह से सन बर्न हो गई है या कोई बड़ी चोट लगी है, तो वो भी आगे चलकर व्हाइट पैचेस या स्पॉट्स का रूप ले सकती है। ध्यान रहे, बाहर जाने से पहले सनस्क्रीन और यूवी प्रोटेक्शन क्रीम्स का इस्तेमाल जरूर करें, या आपकी स्किन को हार्मफुल रेज से बचाती है। साथ ही केमिकल बेस्ड क्रीम्स आपके लिए एक बहुत ही खराब ऑप्शन हो सकती है। इसके साथ ही अगर आप किसी भी तरह की बीमारी से परेशान हैं या अपनी डाइट से जुड़ी कोई भी एडवाइस लेना चाहते हैं, तो अभी डॉक्टर कर्मा में संपर्क करें। आप किसी भी समय हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। धन्यवाद।